फ्रीडम फाइटर जोया थाउसन को श्रद्धांजलि हिल्स लाइफ की तरफ से। हमारा फ्रीडम फाइटर सैन्याजिक जोया थाउसन को उनकी मार्टिरडम के दिवस 7 अप्रैल पर याद किया गया। वो असम में दिमाहासाओ की एक दिमासा फ्रीडम फाइटर थी। उनका जन्म 26 सितंबर 1925 को दिमाहासाओ के जोराई बथारी में हुआ था और 7 अप्रैल 1944 को ब्रिटिश आर्मी के एम्बुश में शहीद हो गई थी। ऐसे कहा जाता है कि वो मणिपुर में नेताजी के आईएनए में शामिल होने जा रही थी, लेकिन कोहिमा के पास ब्रिटिश सेना द्वारा घात लगाकर हमला किया गया। डिमाहासाओ में एक सैन्यजिक जन्म हुआ था जिसका नाम है जोया थाउसन। जोराई बठारी में जन्म हुआ था 1925 सितंबर 26 को। उसके बाद बहुत सालों बाद उसका जो है हमारी देश के लिए इंग्राज के साथ लड़ते लड़ते उसने अपना दम तोड़ दिया है, और वो दिन है आज का दिन 7 अप्रैल 1944। ब्रिटिश राज से आज़ादी के लिए, हमारे देश का आज़ादी के लिए, जहाँ डिमासा रेजिमेंट, जहाँ सैन्यजिक जोया थाउसन के नेतृत्व पे एक ऑर्गेनाइजेशन था, वो ऑर्गेनाइजेशन डिमाहासाओ से, फिलहाल डिमाहासाओ है, पहले नॉर्थ कचर हिल्स था, उससे मोर देन 50+ उसके साथ ग्रुप में एक मणिपुर की ओर सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में शामिल होने के लिए वो जा रहा था। हमारे जो है उस वक्त एक नारा लगा था कि ब्रिटिश को भारत छोड़ो का एक नारा लगा था। उस वक्त हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, वो देश का आज़ादी के लिए यहाँ से सैन्यजिक जोया थाउसन के नेतृत्व में एक मणिपुर की ओर गया था। उन लोगों को यह खबर था कि जो सुभाष चंद्र बोस का जो टीम है उनको खाने पीने का जो है काफ़ी सारा प्रॉब्लम हो रहा है, इसकी वजह से उन लोगों को खाना पीने से लेकर के तमाम हथियार वगैरह लेकर के यहाँ डिमाहासाओ से वो मणिपुर की ओर जा रहा था। फिलहाल उसके बाद एक मिकिल्स पहाड़ है, मिकिल्स हिल से उसको पार होते हुए वो दिमापुर होकर नागालैंड की ओर चला गया। उस नागालैंड में एक खिरिम खुआई होकर एक जगह है, उस जगह में उनको जो ब्रिटिश का जो सिपाही ने उनको एम्बोस करके उनका नेतृत्व का जो सारा जो टीम जो है उनको मार दिया गया है। और साथ में जोया थाउसन ने उस वक्त जो ब्रिटिश का जो सिपाही है उन लोगों को, 4 लोगों को उन्होंने जगह पर मार गिराया। उसके बाद उसको भी ब्रिटिश का सेना सिपाही ने उनको मार दिया गया। खिरिम खुआई जो है नागालैंड का अंदर में है और कोहिमा से इतना दूर नहीं इस तरह सा है। और आज का दिन जो है 7 अप्रैल है, पूरे देश में जिस तरह जहाँ हर जो युद्धा को, हर जो फ्रीडम फाइटर को एक सम्मान दिया जाता है, ठीक वैसा ही डिमाहासाओ का जोया थाउसन को भी सम्मान देना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें देखा गया कि यहाँ का डिमाहासाओ का सारी जनजाति लोग, सभी लोग जोया थाउसन को आज के दिन में याद किया गया है, और उसके साथ साथ हमारे हिल्स लाइफ की तरफ से भी उनको जो है बहुत भी बहुत याद करते हुए एक हमारे जो है स्पेशल एपिसोड ये बनाया गया है। आज का दिन में सबको याद नहीं होगा, क्योंकि आज का दिन में जोया थाउसन का डेथ एनिवर्सरी था, तो आज का दिन सबको मालूम नहीं होगा, फिर भी हम याद दिलाता हूँ। तो ये फ्रीडम फाइटर है, ये ब्रिटिश का साथ लड़ने के लिए निकला था, लड़ा भी है और ब्रिटिश का साथ में लड़ के वो स्वेट हुआ है। तो इसलिए आज का दिन में सबको मालूम होना चाहिए, और सरकार भी इसी का जानकारी लेना चाहिए, और फ्रीडम फाइटर के हिसाब से उसका रिकॉग्नाइज करना भी ज़रूरी है। आज का दिन हम लोग याद करना है, जो हम लोग का डिमासा फ्रीडम फाइटर रहा, हम लोग का एक लड़की जो हम लोग का जोराई बस्ती से जन्म हुआ, तो हम लोग का सामने में है, तो इसलिए हम लोग बहुत गर्व करता है। उनका नाम में आज हम लोग याद भी किया है, और उनको हमेशा हम लोग का डिस्ट्रिक्ट से मान के आना है। आज का दिन में उनका जो शहीद हुआ, अपना देश के लिए बलिदान दिया, हम बहुत बहुत वहाँ उनको आत्मा के लिए, शांति के लिए हम प्रार्थना करता हूँ। और सभी पब्लिक जानना भी है, आज का जो ये जोया थाउसन का जो मरण तिथि है, याद करना है सब हमारा डिमाहासाओ के जिला के, जो सभी जाति का, सभी किस्म जाति का सब याद करके।